वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी के शिक्षिका। आज की क्लास कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पार्ट 2 से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके पार्ट 2 का नाम है 3 प्रश्न जो एक कहानी है। आइए अब हम इन प्रश्नों को देखें। आपकी पुस्तक में ये प्रश्न दिए गए हैं, अब हम इनके उत्तर को समझें। पार्ट 2 3 प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, राजा के मन में कौन से 3 प्रश्न उठे? पहला, कार्य को करने का सही समय, किसकी बात सुननी चाहिए किसकी नहीं, तीसरा, आवश्यक कार्य कौन सा है। आपका दूसरा प्रश्न है, लोगों के उत्तरों से राजा क्यों संतुष्ट नहीं हुआ? उत्तर है, सभी लोगों ने के उत्तर अलग अलग थे, राजा को कोई भी उत्तर सही नहीं लगा, इस कारण राजा संतुष्ट नहीं हुआ। आपका अगला प्रश्न है, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा ने किससे मिलने का निश्चय किया? उत्तर है, उसने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा ने साधु से मिलने का निश्चय किया। आपका अगला प्रश्न है, साधु ने राजा के प्रश्नों के क्या उत्तर दिए? सही समय वही है जो हमारे पास जब हमारे पास शक्ति हो। दूसरा, सबसे महत्व का आदमी जिसके साथ हम होते हैं। तीसरा, सबसे आवश्यक कार्य, संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। साधु ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका अगला प्रश्न है, जब साधु राजा के पास पहुंचा तो वे क्या कर रहे थे? जब राजा साधु के पास पहुंचे तो वे जमीन खोद रहे थे। आपका अगला प्रश्न, राजा ने घायल व्यक्ति के क्या घायल व्यक्ति की क्या सेवा की? व्यक्ति के घाव की मरहम पट्टी करके राजा ने उसकी सेवा की। अगला प्रश्न है, राजा द्वारा की गई सेवा का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? राजा द्वारा की गई सेवा से उस व्यक्ति की जान बच गई। अगला प्रश्न है, घायल व्यक्ति राजा की हत्या क्यों करना चाहता था? घायल व्यक्ति राजा का शत्रु था इसलिए राजा की हत्या करना चाहता था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट तीन को देखेंगे, जिसका नाम है सच्ची वीरता। पार्ट 3, सच्ची वीरता। अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखें। आपकी पुस्तक में ये प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर इस प्रकार हैं। पार्ट 3, सच्ची वीरता। आपका पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज को उत्साहित करने के लिए क्या किया? महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज को उत्साहित करने के लिए अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, सच्चे वीर लोगों के दिलों में अपने को कैसे बांध लेते हैं? सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, कायरों की उपमा किसके साथ की गई है? कायरों की उपमा टीन के बर्तन के साथ की गई है। आपका अगला प्रश्न, इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? हर परिस्थिति में अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। ये आपके पार्ट 3 से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 4 से संबंधित प्रश्न उत्तर कराएंगे, जिसका नाम है प्रेरणा के स्रोत। धन्यवाद।